यस येस यस कम ऑन आई एम योर यस यस जस्ट गि वन मिनट चलो सो कौन कौन एक्साइटेड है जल्दी जल्दी सब लोग चैट बॉक्स में कलरफुल हार्ट भेज दो तब तक मैं यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर दूंगी बस मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है बस मुझे एक मिनट ओ... एक मिनट नहीं ज्यादा हो गया एक मिनट बस दस, दस सेकेंड ठहर जाओ डन 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 आपसे ज्यादा जल्दबाजी मुझे है आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम इन वेरी मच हरी जस्ट गिव मी फ्यू मोर सेकेंड ओके डन ठीक है चलो डन यस yes, यस yes, बच्चों चलो आ गए हम डन दन, डना डन दन, मैम डन दन, डना डन दन. चलो सबको मेरी वॉइस आ रही है प्लीज गिव मी हेड्स अप यस ओके सो आर यू ऑल रेडी फॉर बेस्ट एवरीबॉडी बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज के सेशन में हम हंड्रेड एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं यस एवरीबडी हंड्रेड एमसीक्यूज बायोलॉजी के सॉल्व करने वाले हैं जो आपके ट्वेंटी नाइन सप्टेंबर के शिफ्ट के क्वेश्चन है 29 तो आपको थर्टी सेकेंड दिया जाएगा और थर्टी सेकेंड के अंदर अंदर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं ओके okay? चलो ऑल द बेस्ट एवरीबडी आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ये सारी चीजें आपको पता है आप वन शॉट वीडियो देख सकते हो यहाँ पे आपको लाइव वन शॉट हम डेली आपका लाइव वन शॉट लेक्चर्स ले रहे हैं सुबह ग्यारह बजे ओके okay, डेली आपका मॉर्निंग में 11 बजे लेक्चर होता है कल कौन सा एक बार देख लेना ये आपके वन शॉट के प्लेलिस्ट है ठीक है चलो और यहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे सो ऑल द बेस्ट एवरीबडी लेट्स स्टार्ट विद अवर सेशन ये रहा आपका फर्स्ट एमसीक्यू एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ मैं बिल्कुल भी आंसर नहीं बताने वाली आप लोग अपने साथ एक बुक लेकर बैठो एक बुक लेकर बैठो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे टेन नंबर डालो और ऐसे दस लाइन बना दो ठीक है तो हंड्रेड एमसीक्यूज हो जाएंगे और आपको बस आंसर टिक 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 करते जाना है ठीक है दिस इज इलेवन टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन थर्टी वन फोर्टी वन फिफ्टी वन सिक्सटी वन सेवेंटी वन ऐसे नंबर्स डाल देना यस yes, चलो यस 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 टेंशन नहीं लेना है टेंशन नहीं लेना है किसी को भी चलो टाइम आप तो पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरमेंटल ग्रेडियंट ग्रेडियंट मतलब क्या होता है लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म तो ऐसे पर्टिकुलर लेवल को हम क्या बोलते हैं हाइपर वॉल्यूम नीश यानी कि जहां पर आपका सारा फैक्टर्स एक साथ आ जाता है चलो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ चलो फटाफट बच्चों पहले आंसर करो मैं लास्ट का पांच मिनट आपको दूंगी तब आप हमसे सारी बातें कर लेना अभी प्लीज़ 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 ओनली फोकस ऑन एमसीक्यूज अभी सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस करो आपके जो भी बात होंगी मैं लास्ट में पांच मिनट आपसे बातें करूंगी आप टेंशन मत लो बट अभी सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस करो नीलेष मिश्रा अभी मैं सीई के एमसीक्यूज करवा रही हूँ प्लीज़ सीई के एमसीक्यू के ऊपर फोकस करो सब लोग प्लीज सीई टी के एन पे फोकस करो ओके एनजीओ स्पर्म्स के फीमेल गमेटो में तो फीमेल गमेटो कौन से सेल को फीमेल गमैटो बोलते हैं यस एवरीबडी यस yes, बताओ फटाक एम्ब्रियो सेल so क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर आपके एग एग होता है yes? so, cell, uh, sorry, ये और ये सेल तो आपका मेल का सेल है और ये न्यूसुलस ओव्यूल का पार्ट है तो बचा बी सो बी इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यस एवरीबॉडी चलो कम ऑन क्विकली यस बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी आप लोग को फटाफट से आंसर सिलेक्ट करते जाना है यस एवरीबडी फास्ट जल्दी जल्दी क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर कमॉन मैच करो ये क्वेश्चन आपके नीट में भी आया था येस yes, ये क्वेश्चन अपने नीट का भी क्वेश्चन है अभी कल ही मैंने एमसीक्यू सॉल्व कराए थे एनसीईआरटी वाले चैनल पे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए आपको सीधा स्ट्रैटेजी यूज करना है सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी एड्स किसके वजह से होता है इट इज ट्रांसप्लेसेंटल अगर ये याद नहीं है तो आपका मलेरिया वेक्टर के थ्रू होता है सो so, सी का आंसर आएगा टू और सिर्फ इसी ऑप्शन में आपको सी का आंसर टू दिया गया है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कमॉन लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम कमॉन 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 प क्वाइट आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमेट डैश फॉर्म्स द एम्ब्रियो इन एनजियोस्पम मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है एम्ब्रियो बनाने के लिए सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा तो प्राइमरी एंडियोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा सिनर्जिट सेल तो पहले ही डिजनरेट हो जाता है एग न्यूक्लियस आपका फीमेल गैमेट है और एंटीपोडाल सेल इज़ नॉट यूज तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हरिया राइजोबिया कैसे टाइप के सेल्स हैं आपके चैप्टर इलेवन एनहांसमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है राइजोबिया का फंक्शन बता देती हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में ये हेल्प करते हैं येस एवरीबडी एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल में uh, उसको अकोमोडेट करते हैं तो राइजोबिया का राइजोबिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनका माइक्रोस्कोप के नीचे शेप कैसा दिखाई देता है आप लोग जब आंसर कर रहे हो ना तो वन जीरो फाइव का आंसर ये ऐसा लिखो क्वेश्चन का नंबर के साथ आंसर करोगे तो मुझे भी पता चलेगा येस एवरीबडी चलो देन ओके सो राइजोबिया रॉड शेप के होते हैं आपकी टेक्स्ट बुक की थ्योरी में ही दिया गया है राइजोबिया रॉड शेप चलो नेक्स्ट एग एल्ब्यूमिन कौन से प्रोटीन का एग्जाम्पल है आपके क्लास इलेवेंथ चैप्टर सिक्स बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का क्वेश्चन है एल्ब्यूमिन मतलब क्या होता है प्रोटीन तो एग एल्ब्यूमिन किसका एग्जाम्पल आएगा येस एवरीबडी चलो बताओ सिंपल प्रोटीन आएगा लिपिड आएगा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आएगा या कंपाउंड लिपिड आएगा आपके टेक्स बुक में सीधा टेक्स बुक का लाइन उठा के दिया है इट इज टेक्सचुअल लाइन और आपको भी बताया सीई टी एग्जाम में पूरा महाराष्ट्र बोर्ड का ही सिलेबस आता है सो so इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सिंपल प्रोटीन एग एल्ब्यूमिन आपके सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है बताओ ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है एरोबिक एन एरोबिक दोनों सेल्स में होता है मैं आपको बता रही हूँ ग्लाइकोलिसिस एरोबिक एंड एन एरोबिक दोनों सेल्स में होता है बट ये इसका लोकेशन किधर है वो बताओ येस yes, बच्चा लोग जल्दी जल्दी चलो बताओ ग्लाइकोलिसिस किधर होता है बच्चा लोग वेयर डज ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस यस इट हैपन्स इन ऑल लिविंग सेल्स सारे लिविंग सेल्स में एक होता है एरोबिक एंड एनोरोबिक दोनों पाथवे फॉलो करता है सो ये सारे ऑर्गैन सारे सेल्स में होता है बट ये आपके आ, सारे लिविंग सेल्स में होता है एनोरोबिक एरोबिक सब में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन असेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटो सिंथेसिस इज फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन सा इंपॉर्टेंट है ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है ये आपके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर है हॉर्मोन्स वाले चैप्टर का ट्वेल्थ में जो हॉर्मोन्स वाला चैप्टर है आपके रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है सब जगह पे तो आता है दिस इज योर बेसिक जनरल नॉलेज आपके क्लास ट्वेल्थ के रेस्पिरेशन चैप्टर में भी स्टार्टिंग में दिया आपने को रेस्पिरेशन और फोटो फिर आपके प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में है आपके प्लांट वाटर मिनरल न्यूट्रिशन में से है डिलीटेड पार्ट में से कुछ भी नहीं दिया गया है तो so, फोटो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है रॉ मटेरियल यानी सी प्लस एच टू ओ सो हमको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो इधर वाटर का ऑप्शन दिया गया है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके क्लास ट्वेल्थ चैप्टर थ्री इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है नियो मेंडलिज्म का कॉन्सेप्ट मल्टीपल अलील्स नियो मेंडलिज्म में जो हमने पढ़ा है मल्टीपल अलील्स उस टॉपिक का क्वेश्चन है ये येस yes, एवरीबडी बताओ क्या आएगा इसका आंसर जीनो टाइप ऑफ्रॉसोफिल हो या रूडिमेंट्री फॉर्म आप बोल सकते हो, या हो यानी जिसका स्ट्रक्चर अनडेवलप हो चुका है सो so, ऐसे विंग्स का जीनो टाइप क्या होता है बच्चा वी जी वी जी इनके ऊपर कोई भी अलील नहीं होगा चलो ये देखो वेस्टिजियल विंग्स नो पर्टिकुलर सिंबल इज गिवेन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स आप ऐसे क्वेश्चन को एकदम सावधानी से सॉल्व करो घाई मत करो आपके पास स्टेटमेंट वन क्या दिया गया है इट इज अ स्मॉल कोनिकल एंड सेंसिटिव प्रोजेक्शन मैं चुप बैठूंगी आप सॉल्व करो यस yes. ओके okay. इट इज अ स्माल कोनिकल एंड सेंसिटिव प्रोजेक्शन लाइंग एट द एटीरियर एंड ऑफ लेबिया माइनोरा लेबिया माइनोरा मतलब क्या होता है फीमेल रिपोर्डक्टिव सिस्टम के जो लिप्स होते हैं इनर लिप्स को माइनोरा बोलते हैं आउटर लिप्स के स्ट्रक्चर को मेजोरा बोलते हैं तो इनर लिप्स के एंटीरियर एंड पे ये जो स्ट्रक्चर दिया है इसको बोलेंगे क्लिटोरिस और क्लिटोरिस किसके जैसा होता है मेल के पीनस के जैसा इरेक्टाइल टिश्यू होता है सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सॉरी सेकेंड क्या दिया है इट हैज पेर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू कॉर्पस पॉन्जियोसम नहीं इरेक्टाइल uh, टिश्यू कौन सा होता है कॉर्पस

अरिबा शेख बेटा ये आपकी स्कोर बूस्टर है एम एस टी सी टी ट्वेंटी ट्वेंटी वन शिफ्ट वाइज पेपर्स का पी सी बी का स्कोर बूस्टर है साइकोसिस किसके वजह से होता सॉरी बुलिमिया uh, क्या होता है एक्सट्रीम ओवर इंडेज इन फूड बच्चे खुश होते हैं तो खाना खाते हैं दुखी होते हैं तो खाना खाते हैं यह आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में दिया है ओके चलो यस yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन uh, नहीं नहीं ह्यूमन न्यूट्रिशन क्लास इलेवेंथ के ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर में भी दिया है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी दिया है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन अ नॉर्मल ईसीजी रिप्रेजेंट्स चलो फटाफट आंसर करो वन क्यू आर एस वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है yes. QRS represents ventricular depolarization. ये देखो, Contraction of ventricles. इसका screenshot ले लो, okay? Next question. चलो 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 कम ऑन यू कैन डू इट यस देखो आपको आंसर भी दिखा रही हूं मैं आप वीडियो को बाद में पॉज करके उसका सोलूशन भी देख सकते हो कि इसका आंसर क्या था इसका आंसर ये क्यों आया सो हैव पेशेंस फिलहाल के लिए फोकस करो ऋतु बेटा ये आपके स्कोर बूस्टर के क्वेश्चंस हैं यस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फाउंड फॉर्म इन अ टेल हेट्रोजाइगस सॉरी टॉल है ये टॉल हेट्रोजाइगस पी प्लांट विथ पर्पल फ्लावर्स टाइप्स ऑफ गैमेट पूछा ना टू रेस टू एन एन मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड नंबर ऑफ हाइब्रिड तो इधर पे कितने हाइब्रिड है एंड तो रेस टू मतलब four. आपका और मेरा फेवरेट क्वेश्चन मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन आता ही आता है आता ही आता है आता ही आता है मैं अपना नाम चेंज कर दूंगी अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो आई एम सो श्योर अबाउट इट यस फिजिक्स का मॉक भी होगा एक दो दिन में इसी वीक में होगा आपका फिजिक्स का मॉक या तो वेनसडे या तो थर्सडे दोनों में से एक दिन होगा दिस इज फ्राम ट्वेंटी नाइन सप्टेंबर यह आपके ट्वेंटी नाइन सप्टेंबर के शिफ्ट का क्वेश्चन है चलो अभी चलो फटाफट आंसर करो अरे कहीं से भी क्वेश्चन पिक किए हो सॉल्व करो ना तुम लोग तुमको क्वेश्चन मिल रहा है ना फ्री में चलो तो एन जी में सीड कहाँ से बनती है आपके ओवियल से और ओवरी क्या बनाता है ओवरी फॉर्म्स फ्रूट सो येस ऑप्शन इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कमोन 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 पंद्रह क्वेश्चन हो गए हंड्रेड में से पंद्रह मार्क्स फिक्स हंड्रेड में से पंद्रह मार्क्स फिक्स जल्दी फास्ट बच्चों लो। लोग कमॉन यू कैन डू इट चलो यार ऐसा मत करो जल्दी जल्दी आंसर दो जल्दी जल्दी यस yes, फास्ट आउटसाइड साइडीडी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं कौन से टाइप का फर्टिलाइजेशन होगा बचवा लोग कंजूस लोग एक नंबर के कंजूस लोग लाइक बटन पे क्लिक क्यों नहीं करते जाते आई डोंट अंडरस्टैंड यस कमॉन और है अरे यार आंसर पहले ही दिख गया इसमें यस yes. क्या आएगा इसका आंसर देखो आंसर बी क्यों आएगा मैं वो बता देती हूँ इट इज़ सर्टेन दैट लॉस ऑफ स्पीशीज मे नॉट पोज थ्रेड टू इकोसिस्टम ओनली इनिशियली अगर कोई स्पीशीज गायब होगी तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उसका इतना असर पता नहीं चलेगा लेकिन बाद में बाद में उसकी वजह से फूड चेंज फूड वेब एनर्जी फ्लो सब कुछ अफेक्ट होगा सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यस हार्ट का क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम चैप्टर एट क्लास ट्वेल्थ रेस्पिरेशन पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिस इज करेक्ट इन वेन्स ब्लड फ्लो रैपिडली विथ हाई प्रेशर वेन्स के पास आपके वॉल्व प्रेजेंट होता है और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं तो इनके पास ब्लड एकदम स्लोली फ्लो होता है इट डज नॉट फ्लो विथ हाई प्रेशर इट फ्लोज विथ लो प्रेशर तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वन इज करेक्ट टू इज इन करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो मेरे कस्बू बचवा लोग लाइक बटन पे तो क्लिक कर नहीं रहे हो कम से कम आंसर ही सही दे दो यस yes. चलो दिया सबने आंसर म्यूटेशन अब मैं बताती हूँ ट्वेंटी सेकंड आपको देंगे ट्वेंटी सेकंड में मैं एक्सप्लेन करूंगी म्यूटेशन इज अ फिनल इन विच डैश टेक्स प्लेस म्यूटेशन में क्या होता है सडन चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डी या रेप्लीकेशन ऑफ डी तो नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन होता है क्या नहीं ट्रांसलेशन होता है क्या नहीं सिर्फ सडन चेंज होता है सो so आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए सही जवाब चलो अगला सवाल ये है आपके 19 मार्क्स के लिए 19 लाख 19, 19 करोड़ में मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है मैं आपको अंदर को ए। देखो, आपका है, को आपका टू कार्बन कंपाउंड है तो एसिड आपका पायरुविक एसिड जो है ये आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाने वाला है बट माइटोकॉन्ड्रिया का दरवाजा खुलता है सिर्फ टू कार्बन के लिए तो पायरुविक एसिड अपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल क्या करता है एक कार्बन रिमूव कर देता है तो कार्बन के रिमूवल को क्या बोलते हैं डी सो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यस दिस इज़ फ्रॉम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास ट्वेल्व चैप्टर नाइन इसका वन शॉट हो चुका है अल्जाइमस डिजीज यानी याददाश्त चली जाना पार्किस डिजीज इज योर डोपोमाइन प्रोड्यूसिंग डिसऑर्डर ग्रेव्स डिजीज क्या होता है थायराइड डिसऑर्डर जिसके वजह से आंख ऐसे बाहर आ जाती है और एडिसन एडिसन डिजीज किसके वजह से होता है शुगर कॉन्सेंट्रेशन के वजह से कॉर्टिकॉइड्स के वजह से तो डोपमीन डिजीज कॉज ड्यू टू डी जनरेशन ऑफ न्यूरोन्स रिजल्टिंग इन रिड्यूस डोपमीन तो कौन सा डिजीज होगा डोपामीन से कौन सा डिजीज डिपेंड करता है पार्किसन तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन Come on, आपके ट्वेंटी मार्क्स फिक्स हो गए हंड्रेड में से क्या बात है बल्ले 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 जल्दी जल्दी आंसर बता दो यस yes, बताओ एंडी तो ने देखो रेस्पिरेशन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं क्लास ट्वेल्व चैप्टर एट रेस्पिरेशन फॉर्डेट तो एंडी ने मैंने बहुत बार बताया है ये आपके हार्ट के चेम्बर्स है ठीक है ओके यहाँ पे आपका ऐसे कॉलम ने कारने प्रेजेंट रहता है और यहाँ पे आपके कस्पिड वॉल्व के साथ ऐसे कॉर्ड्स प्रेजेंट रहती है तो ये ब्लैक कलर की जो कॉर्ड है इसको हम क्या बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने और इसको क्या बोलते हैं कॉलम ने कारने या ट्रेपैक्यूले कारने सो आंसर क्या आएगा कॉर्डे टेंडिने किस कनेक्टेड है इधर पे आपके पैपुलरी मसल्स कनेक्टेड होते हैं ऐसे छोटे 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 तो ये कस्पिड वॉल्व को मैनेज करते हैं सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यस बताओ फटाफट से jolly jolly come on yes yes cerebrospinal fluid is secreted by following parts of central system except cerebrospinal fluid is secreted by which part csf control and coordination chapter एरेक्नॉड मैटर से बनता है क्या सी एस एफ देखो बाहर का लेयर आपका ड्यूरा मैटर है इसके प्ला, पास ब्लड वेसल नहीं होते तो सी एस एफ नहीं बनता एरेक्नॉड मैटर वेब लाइक होता है इसके पास भी सी एस एफ नहीं होता सो दिस इज योर एरेक्नॉयड मैटर एंटीरियर कोरोयड प्लेक्स यानी बंडल ऑफ ब्लड वेसल ये सी एस एफ बनाता है एपेंडाइमल सेल्स के पास भी सी एस एफ बनते हैं और पोस्टीरियर कोरोयड प्लेक्सेस के पास भी सी एस एफ बनते हैं सो so, आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए क्या बात है शाबाश नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन वन ट्वेंटी थ्री बिल्कुल टाइम पास नहीं हो रहा है जल्दी जल्दी मुझे अच्छा लग रहा है बच्चे इधर पे कमेंट में टाइम पास नहीं कर रहे हैं आंसर कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा मुगेम वो खुशी हुई ओके कम ऑन क्विकली व्हाट वुड बी द जीनो टाइप ऑफ द पेरेंट ऑफ अ कलर ब्लाइंड डॉटर एंड अ सन विद नॉर्मल विजन ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ठीक है जीनो टाइप ऑफ अ पेरेंट ऑफ अ कलर ब्लाइंड डॉटर एक डॉटर है जो कि कलर ब्लाइंड है और एक सन है जो नॉर्मल है ठीक है यानी कि आपको एक्स क्रोमोजोम देखना है ये देखो ये एक एक्स क्रोमोसोम और ये वाला एक्स क्रोमोसोम ठीक है ये डॉटर के पास स्मॉल सी है और सन के पास कैपिटल सी है मतलब इनकी जो मदर होगी मदर कैसी होगी कैरियर होगी मदर कैसी होगी कैरियर होगी और फादर कैसे होंगे फादर कलर ब्लाइंड होंगे क्योंकि फादर का जो एक्स क्रोमोजोम आया है ये समझो ये मदर का एक्सक्रोमोजोम है और ये वाला फादर का एक्स क्रोमोसोम है तो फादर इज कलर ब्लाइंड तभी तो ये एक्स क्रोमोसोम इस डॉटर के पास आया है करेक्ट सो so, फादर इज कलर ब्लाइंड यानी फादर का आएगा एक्स मॉल सी कैपिटल वाई और मदर कैरियर है सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यस आपके फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन है ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन क्लास ट्वेल्थ यस आपको सिंपल बताती हूँ नियांडर्थल मैन का हमको क्रेनियल uh, कैपेसिटी पता है सबसे ज्यादा होता है फोर्टीन फिफ्टी सी सी यस एवरीबडी सो इसका आंसर क्या आएगा आपको मिस मैच पेयर सिलेक्ट करना है ये सॉरी ये आपका राइट right पेयर है ठीक है कौन सा पेयर इसमें से राइट right नहीं है बताओ अभी मैं नहीं बताने वाली आपको टेबल लर्न करने बोला है मैंने एकदम लास्ट टेबल है टेबल नंबर फाइव पॉइंट वन एट यस क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर अरे सॉरी नियंडरथल मैन का फोर्टीन हंड्रेड होता है होम्योसेपिन का फोर्टीन फिफ्टी होता है तो ये एक्चुअली रॉन्ग है ये एक्चुअली रॉन्ग है बाकी सारे के सारे आंसर्स एक्चुअली राइट है जो मैंने राइट right बोला था वो एक्चुअली रॉन्ग निकला इसलिए अपने दिमाग पे भरोसा करो ओके okay? ये देखो यहाँ पे नियंडरथल मैन का क्रेनियल कैपेसिटी फोर्टीन हंड्रेड होता है होम्योसेपियन का फोर्टीन फिफ्टी होता है बाकी सबका क्रेनियल कैपेसिटी करेक्ट दिया था चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच 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 वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट अबाउट नीश क्लास ट्वेल्थ चैप्टर थर्टीन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नीश मतलब क्या होता है ऑर्गेनिजम के रहने की जगह उसको हम बोलते हैं नीश तो नीश की प्रॉपर्टी बताओ क्या दी गई है ओ सॉरी नीश की प्रॉपर्टी बताओ क्या दी गई है यस बहुत ना इंसाफ़ी है सात सौ बच्चे एम सी क्यू का आंसर दे रहे हैं लेकिन सिर्फ साढ़े चार सौ लाइक्स हुआ है ठीक है ये ना इंसाफी भी सह लेंगे तो वॉट इज़ इनकरेक्ट अबाउट नीश ये बहुत सारे स्पीशीज को एक टाइम पे सपोर्ट नहीं करता इट सपोर्ट्स ओनली वन स्पीशी एट अ टाइम ठीक है ऐसा नहीं है मिस को नहीं आता मैं आपका ब्रेन चेक कर रही थी और यहाँ पे कभी कभी आपको फोर्टीन फिफ्टी भी आंसर दिया जाता है बट आपको मिस मैच बोला है तो मिस मैच के लिए नियंडर्थल वाला ही मिस मैच हो रहा है क्योंकि बाकी की वैल्यूज एग्जैक्टली exactly दी गई थी ओके ठीक है आपको ऐसा लग रहा मुझे नहीं आता तो ठीक है एक क्वेश्चन मैं भी गलत दे सकती हूँ ऐसा कुछ नहीं है ठीक है मैं कोई गूगल थोड़ी हूँ इंसान ही हूँ है ना Yes. ये सिर्फ और सिर्फ एम एच के बच्चों के लिए है. Okay? Right. Habitat, are, पानी पानी तो पानी में पाइनी पीसी कौन सा होता है यानी लैंड पे कौन सा पाइनी पीसी होता है वो मैं आपको बता देती हूँ क्रस्टोस लाइकिन पानी में कौन सा एक्वाटिक स्पीशी होता है फाइटो ये देखो ये अपना पैनर स्पीशी है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बच्चों ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन यही एनर्जी चाहिए मुझे सीई एग्जाम में ऐसे आपके लिए अभी और बायो के चार मॉक टेस्ट और होंगे आपके लिए बायो के चार मॉक टेस्ट और होंगे जिसमें से दो टेस्ट हम शिफ्ट वाइज क्वेश्चन कराएंगे ठीक है और बाकी के जो दो होंगे वो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और ये एमसीक्यूज हम बहुत रिव्यू करके बहुत पेपर स्टडीज करके फिर बनाते हैं येस तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा हाइड्रोलिसिस करने पे आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज कब मिलता है जब आप लैक्टोज को ब्रेक करते हो क्लास इलेवंथ बायोमोलिक्यूल चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टेरिया प्रेजेंट इन सीवेज इज़ नॉट फाउंड इन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूम्स चलो बताओ इसमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो सिर्फ सीवेज में पाया जाता है ह्यूम्स के इंटेस्टाइन में नहीं पाया जाता है। देखो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे स्टमक में मतलब हमारे इंटेस्टाइन में भी और सीवेज में भी होता है क्योंकि हम जो पॉटी करते हैं वही तो सीवेज बनता है ना आगे जाके गटर में जाता है लेकिन ऐसा कौन सा बैक्टेरिया है जो सिर्फ सीवेज में होता है हमारे पॉटी में नहीं होता हमारे इंटेस्टाइन में नहीं होता मोस्ट वेलकम देखो चालू हो गया यस यस मैराथन लेंगे संकेत सवाल ब्रो जरूर लेंगे सुडोमोनास आपका डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ये सोइल में पाया जाता है जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स ऐसे अजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बताओ फटाफट से क्या आएगा इसका आंसर समान क्विकली टेल मी स्टेटमेंट 1 No. लकम yes, और घर का सीवेज अलग होगा उसमें डोमेस्टिक कचरा होगा सो so, हर एक टाइप का सीवेज अलग अलग होता है सो वन इज करेक्ट टू इज रॉन्ग करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलो तीस क्वेश्चन हो गए ओ माई गॉड ओ माई गॉड मेरे बच्चों को ऐसे नजर ना लगे सुनाई दिया सबको ये देखो सुनाई दिया ठीक है मैंने आपकी नजर उतार दी आप लोग इतने फास्ट फास्ट आंसर दे रहे हो किसी को नजर ना लगे बट आंसर देते रहो चलो नीट का एमसीक्यू लिया बेटा रोहित यादव ज्ञान लैब एनसीआर चैनल चेक करो कल ही मैंने उसमें हंड्रेड एमसीक्यूज लाइव लिए हैं हंड्रेड एमसीक्यूज नीट के कल ही मैंने लाइव लिए हैं जो लास्ट ईयर के पेपर में आए थे तो एक बार गैलब एनसीआरटी वाला चैनल चेक करो चलो विच क्लिनिकल साइन इज नॉट इंक्लूडेड इन एड्स एड्स में कौन सा साइन इंक्लूडेड नहीं होता है एमनेशिया एमनेशिया यानी याददाश्त चली जाना एड्स में एमनेशिया नहीं होता है अनेमिया मत पढ़ लेना है उसको एमनेशिया है वो मालूम पड़ा अनेमिया पढ़ रहे हैं सब लोग ओके ऑर्गन विच इज होमोलोगस टू स्क्रोटम स्क्रोटम का काम होता है टेस्टिकल्स को लोकेट करना तो ऐसे ही फीमेल्स में स्क्रोटम जैसा काम कौन करता है बताओ और स्क्रोटम का दूसरा फंक्शन होता है टेस्टिकल्स को प्रोटेक्ट करना तो फीमेल्स में प्रोटेक्शन का काम कौन करता है टेल मी क्विकली यस एवरीबडी हेलो हाय बाय बाय चलो फटाफट आंसर करो ए हेलो वेलो बोलने में टाइम मत वेस्ट करो सेशन ज्वाइन किया तो फटाक से आंसर करने लग जाने का तो विच ऑर्गन लेबिया मेजोरा यस जो बाहर की तरफ होता है अपर लिप स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं जो थिक फोल्ड्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस एंड गोल्डन मस्टर्ड देखो सबसे पहली बात तो गोल्डन गोल्डन कलर किसके वजह से आता है बताओ ये दोनों ट्रांसजेनिक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी किए हुए फूड है बट ये कलर किसके वजह से मिलता है ये गोल्डन कलर किसके वजह से मिलता है बताओ यस एवरीबडी यस विटामिन ई e के वजह से आयन के वजह से आयन के वजह से तो रेड होगा फ्लेवनोइड के वजह से नो no, ये गोल्डन कलरेशन आता है विटामिन ए के वजह से यस yes, देखो गोल्डन कलर इज ड्यू टू विटामिन ए नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलो फ्रॉम मीसोडम आपके चैप्टर टू एनिमल रिप्रोडक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है क्लास ट्वेल्थ तीन जर्म लेयर्स बनती है एक्टोडर्म एंडोडर्म मिसोडॉम सबसे पहले बनती है एंडोडर्म फिर बनती है एक्टोडर्म लास्ट में बनती है मिसोडॉम तो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव फ्रॉम मीसोडोम मीसोडोम से आपके सारे कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं यानी ब्लड हार्ट ये सारे ऑर्गन तो so, और कौन सा आएगा इसमें कनेक्टिंग ऑर्गन कौन सा है यस yes. बताओ क्या आएगा

अगर समझो कोई बच्चा वीडियो नहीं देख पा रहा है तो प्रॉब्लम या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे भी अवेलेबल रहेगा तो आप इसका रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो तो देखो इधर क्या बोला गया है आपके राइबोसोम पे तीन साइट्स कौन से होते हैं जहाँ पे आपका टी आर एन ए बाइंड होता है तो हमने ए यानी कि हमने बंदर पढ़ा था अमीनो एसाइल साइट पेप्टिडिलइट एंड एग्जिट साइट सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो ए पी एंड ई यस चलो नेक्स्ट अरे Oof. चलो ठीक है देखते कोई नहीं देखा कोई नहीं देखा आंसर दो आंसर दो आंसर दो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है वाई गॉड वाई 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 चलो फटाफट आंसर दो यस yes. क्या आएगा इसका आंसर यह आपके क्लास इलेवेंथ रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है क्लास इलेवेंथ रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर पायरवेद डीहाइड्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है इधर पे पीडीएच एंजाइम प्रेजेंट रहता है जो एन को सॉरी एन NAD को एन ए में कन्वर्ट करता है क्योंकि यहाँ पे ए फॉर्मेशन होता है थ्री ए फॉर्म होते हैं और यह आपको क्या मिलता है बदले में सी ओ टू मिलता है क्योंकि ये टू कार्बन का कंपाउंड बचेगा और एक कार्बन बाहर चला जाएगा कनेक्टिंग लिंक वाला रिएक्शन है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कमॉन कमॉन हमारे बछुआ लोग जल्दी जल्दी आंसर दो यस नंबर सलाह मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का लिस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इस मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन बाय द साइंटिस्ट ये सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे दी है और अपनी चैनल पर भी अपलोडेड है यस yes. तो so, आपको बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप पे ये पूरा पीडीएफ भी पहले से दिया हुआ है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये पीडीएफ सॉल्व कर सकते हैं अब देखो इधर क्या बोला है पीसम सटाइवा में आपके पास थर्टी टू हंड्रेड ऑफ स्प्रिंग्स हैं बायो टिपिकल डाई हाइब्रिड क्रॉस तो आपको दोनों डोमिनेंट स्पीशीज़ कितने मिलेंगे थर्टी टू हंड्रेड ऑफ स्प्रिंग्स हैं ठीक है उसमें से आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया यानी कि नाइन इस टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन और आपको दोनों डोमिनेंट मिल रहे हैं तो दोनों डोमिनेंट स्पीशीज हमको सिर्फ टोटल में से वन परसेंट देखने को मिलते हैं सो थर्टी टू हंड्रेड डिवाइड बाई सिक्सटीन तो आंसर क्या आएगा आपका सिक्सटीन वन जिक्सटीन सिक्सटीन टू ज़ा कितना होता है सोलह सोलह बत्तीस सोलह और सोलह कितना होता है बत्तीस होता है सो टू हंड्रेड आंसर क्या आया यार टू हंड्रेड ये देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर बोला है ना सो सोलह में से आपको सिर्फ एक ही मिलता है तो डिवाइड बाय सिक्सटीन करना है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू हेलो डे चैप्टर फाइव ओरिजिनल एवोल्यूशन टेबल नंबर वन पॉइंट फाइव पॉइंट वन सेवन मैंने आपको बार बार बोला है टेबल फाइव पॉइंट वन सेवन और टेबल फाइव पॉइंट एट आपको लर्न करना है मतलब करना है उसमें से क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा अब इससे ज़्यादा मैं तुमको डायरेक्ट और क्या बताऊँ इतनी बार तो बोला है यस yes. मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट का पीडीएफ मैंने नहीं दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट का सिर्फ वीडियो दिया है वीडियो को पॉज करो और साइंटिस्ट के नाम लिखो वीडियो को पॉज करो और साइंटिस्ट को नाम लिखो इतना स्पून फीडिंग नहीं किया जाएगा चलो क्या आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी गिबॉन सो आवर हैलो में कौन सा एग्जाम्पल आता है गिबॉन्स का यह देखो हो हो, हो. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन थैंक यू वैष्णवी साइंटिस्ट का पीडीएफ अगर ओपन नहीं हो रहा है तो वीडियो देखो और साइंटिस्ट का नाम लिखो वीडियो देखो और साइंटिस्ट का नाम लिखो एवरी थिंग इज गिवेन इन टेलीग्राम ग्रुप एवरी थिंग इज गिवेन इन टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब ए पी तो इफ़ यू वॉन्ट एंटायर मटेरियल फॉर फ्री 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 प्लीज जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप चलो आंसर बताओ फिर से डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक फीचर इन एनजीओज फर्म्स एक्सक्लूसिवली एंश्योर्स दट द प्लांट इन्वेस्ट सीड विथ स्टोर्ड फूड ओनली इफ इट गेट्स फर्टिलाइज दे होप डबल फर्टिलाइजेशन का सबसे खास चीज़ क्या है डिप्लॉयड कंडीशन होता है करेक्ट जायगोड फॉर्म होता है करेक्ट पॉली एम्ब्रियोनी टेक्स प्लेस पॉली एम्ब्रियोनी डबल फर्टिलाइजेशन में होता ही है, ऐसा जरूरी नहीं है बट ठीक है बट फर्स्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि एंडोस्पर्म कब बनेगा अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो बिना फर्टिलाइजेशन के एंडोस्पर्म नहीं बनेगा सो ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है पेयर ऑफ हार्मोन्स रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल इज चलो बताओ उद्यान यस yes, संकेत ओनली एम सीईटी के पीवाईक्यूज विल बी इनफ उद्या क्लासर टाइमिंग उद्या क्लासर टाइमिंग का है अक्रावस्था स्नार पर उदया लेक्चर कौन थे ते मलापड़न है इतना ही है बस अराम लेक्चर बदु बुद्या मला दी ठीक है टाइम अप कौन से हार्मोन्स की वजह से अपना शुगर लेवल इंक्रीज होता है कोर्टिसोल एंड ग्लुकोगोन और ये गोन हार्मोन बनता है अपने अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास और कॉर्टिसोल हार्मोन बनता है किडनी के एल्ड्रीनल ग्लैंड से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था ना आगे ना साइंटिस्ट का नाम अपने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की जो वीडियो है अपने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट सारे के सारे साइंटिस्ट इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के टेक्सट बुक में पूरे बायोलॉजी के सिलेबस में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका नेम और उनका ईयर और उनका काम ये पूरी की पूरी वीडियो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में सीक्रेटली आप लोगों को दे दी है तो आपको बस इतना ही करना है फ्री में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और वीडियो देखना है या आप चैनल पे भी सर्च कर सकते हो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट नेम बाय अंजली मैम आपको वीडियो मिल जाएगी चालीस मिनट की वीडियो है देखो लिखो देखो लिखो पढ़ो हो गया तो जीनोम टर्म हमको किसने दिया था एच विंकलर ने चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू एक्सक्रिटरी ऑर्गन्स कमऑन कल ना आपका ओ बाबा, बायो का ही लेक्चर है <laughs> कल अपना बायो का वन शॉर्ट लेक्चर है ठीक है कोई बात नहीं बायो वन शॉर्ट टुमॉरो और कल हम सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं एनिमल रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर लाइव करने वाले हैं ठीक है लाइव ग्यारह बजे टुमारो बायो वन शॉर्ट लाइव ग्यारह बजे ओके यस yes? चलो बताओ फटाफट से क्या आएगा इसका आंसर ये आपके क्लास इलेवेंथ एक्सक्रीशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है क्लास इलेवेंथ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन एक डरमाटा आपको क्या पूछा है करेक्ट मैच तो डरमाटा कैसे एक्सक्रीट करते हैं ट्यूब फीट की मदद से यस yes? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ फोर सी इंटरमीडिएट्स फॉर्म ड्यूरिंग टी सी ए साइकिल चार कार्बन वाले कौन से कौन से कंपाउंड बनते हैं अपने टी सी ए साइकिल में यस yes. बताओ फटाफट से चार कार्बन वाले कौन से कौन से कंपाउंड बनते हैं टी सी ए साइकिल में साइंटिस्ट की पीडीएफ किसको चाहिए अरे काम करने दो ना बाकी बच्चों को क्यों इतना वो कर रहे हो तुम लोग आलसपना कर रहे हो जीवन वलसांग बेटा साइंटिस्ट का पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है तो वीडियो देख के लिख के लो ना तुमको क्यों सब कुछ रेडीमेड चाहिए चलो देखो टी सी ए साइकिल में ये कंपाउंड सिक्स कार्बन है ये कंपाउंड सिक्स कार्बन है फिर यहाँ पे आपका एक डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है ये भी अभी तक आपका सिक्स कार्बन है अब अल्फा कीटोग्लूट्रेट हो जाता है फाइव कार्बन का फिर वापस एक कार्बन निकल जाता है सब्सिन कोई में फोर कार्बन का तो इसके बाद जितने भी कंपाउंड बनते हैं ये सारे आपके फोर कार्बन के हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यस yes, एन वाले बच्चे भी एम का एग्जाम दे सकते हैं वॉट इज द डायमीटर ऑफ सोलेनोइड स्ट्रक्चर चैप्टर फोर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास ट्वेल्थ डी एन ए का ऐसा स्ट्रक्चर सोलेनॉइड फाइबर याद है अंडा गुंडा ठंडा पानी ऐसा 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 सोलेनॉइड बनाया फिजिक्स में पढ़ाए ना सोलेनॉइड चलो पीतल ये पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे है टेलीग्राम पे चेक करो साइंटिस्ट के लिस्ट का पीडीएफ नहीं मिलने वाला है ये पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे है चेक करो या अपने वेबसाइट पे भी है आंसर क्या आएगा थर्टी नैनोमीटर्स ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी वेबसाइट पे ये पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है वेबसाइट का नाम क्या है डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ए पी डॉट कॉम यस yes. तो यहाँ पे आप नोट्स वाले सेक्शन में जाके पी सी बी के शिफ्ट में जाओ और ट्वेंटी नाइन्थ सेप्टेम्बर का क्वेश्चन प्लस सल्यूशन दोनों का पी डी एफ आपको मिल जाएगा यस yes. चलो वन फोर्टी फोर क्वेश्चन हो गए बापरे आधा क्वेश्चन होने को आ गया देखो पता भी नहीं चला कम ऑन कम ऑन यस चलो अजय सर फिर से सारे पी डी एफ टेलीग्राम पे भेज देंगे क्या दिया है कौन सा डी ऑप्शन नहीं समझा सुदर्शन क्वेश्चन नंबर बोलो क्वेश्चन नंबर तो मैं एक्सप्लेन करूंगी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल यस प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोलस एबसेंट होता है करेक्ट न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज करेक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक मिनट न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट करेक्ट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियल यस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो एबसेंट करेक्ट अवर डी एन ए मोलिक्यूल इज पैक्ड इन टू सोलेनॉइड ना 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 प्रो कैरिओटिक सेल में सोलेनॉइड नहीं बनता है प्रो कैरिओटिक सेल में आपके पास एक नॉर्मल लिनियर डीएनए होता है इलेवन हंड्रेड माइक्रोमीटर का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पैकेजिंग इतना स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग सिर्फ यू कैरिओटिक डीएनए में होता है वन फोर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी थ्री का लास्ट ऑप्शन नहीं समझा अच्छा ये अच्छा ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन आपके बोनस में चला जाता है ऐसा क्वेश्चन आपके बोनस में चला जाता है ठीक है आप डी सिलेक्ट करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा ए सिलेक्ट करोगे तो भी मार्क्स मिलेगा चलो अजय सर ने वापिस से टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड कर दिया है सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे ऑल पीडीएफ फिर से सेंड कर दिया है बराबर दिसत नहीं है वृषॉप तुझी क्वालिटी वाढ़ो वीडियो वर थ्री डॉट्स दिल तिथे जाऊन फोर एट्टी पी वर कर वीडियो बग तुला वीडियो क्लीन दिसे एम थर्टीन एम थर्टीन एक टाइप का वेक्टर है पर ये कौन सा वेक्टर है ये प्लास्मिड वेक्टर है या बैक्टेरियो है कौन सा वेक्टर है यस यसा फटाफट एम थर्टीन इजर एम थर्टीन और लॉबडा लैमडा फाज ये अपना बैक्टेरियो होता है यस दीज आर अवर बैक्टेरियो फाज वायरसेस और बाकी कॉस्मिड प्लास्मिड फाजमिड दीज आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्टर्स ठीक है जो आपके वायरल वैक्टर्स में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट बताओ क्लास इलेवन एक्सक्रीशन चॅप्टर येस हो हो मोस्ट ऑफ द ला क्लिअर दिसतंय ज्यांना क्लिअर दिसत नसेल त्यांच्यासाठी सांगितलंय की जर क्लिअर दिसत नसेल तर काय करायचं सांगा काय करायचं क्लिअर दिसत नसेल तर थ्री डॉट्स वरती क्लिक करून क्वालिटी वाढवायची टेलीग्राम आपको टेलीग्राम ग्रुप का ना लिंक नीचे चैट में दिया गया है या आप सर्च करो ज्ञान लैब एपी वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ दे दिए बेटा ठीक है अजय सर तो तुम लोग का इतना स्पीन स्पून फूडिंग करते हैं ना चलो तो ऑल टेरिस्ट्रियल टर्टल्स एक्सक्रीट यूरिया इज एक्सक्रीटरी वेस्ट नो टर्टल्स कैसे होते हैं यूरिको टेलिक होते हैं ये यूरिया एक्सक्रीट नहीं करते है. ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं क्योंकि इनके पास वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन सिंगल सर्कुलेशन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फर्स्ट रिसीव्ड बाय सिंगल सर्कुलेशन ऑफ फ़िश वाला ये फिश का हार्ट है इधर पे गिल्स है फिर इधर से ब्लड इधर आ रहा है इधर पे टिश्यूज है तो इधर पे ऑक्सीजन आया ऑक्सीजन आया फिर ये आया डी तो डी ब्लड किधर जाता है सिंगल सर्कुलेशन में यस yes. हार्ट के पास क्या होता है आयोरटा या आर्टरी हम बोल सकते हैं करेक्ट गिल्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फिश के केस में किसके पास आ रहा है एट्रियम यानी हार्ट के पास आ रहा है ठीक है तो so, ये देखो या ह्यूमन के केस में भी अगर हम पढ़ें तो राइट right एट्रियम में ही आपका डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फिर वो राइट right वेंट्रिकल में जाता है फिर वो आपके पल्मनरी आर्टरी uh, में जाता है और फिर लंग्स के पास जाता है ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट अरे हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यस चलो जल्दी जल्दी चलो चलो सब सब कुछ प्रोवाइड कर दिया अब भी सर ने चेक टेलीग्राम ग्रुप अभी मतलब लेक्चर छोड़ के टेलीग्राम ग्रुप पे मैं जाऊँ भी लास्ट में अनाउंस करूंगी नहीं तो सब टेलीग्राम ग्रुप पे भाग जाएंगे सब नाला एक, एक नंबर के तुम लोग का यही प्रॉब्लम है फटाक से डिस्ट्रैक्ट होते हो फोकस ही नहीं है किसी चीज पे यस yes, बताओ आपका वाई क्या है और एक्स क्या है एक्स अपना एकदम गोल गोल सेल दिख रहा है जेम्स के जैसा सो दिस इज आर बी सी ये अपने डब्ल्यू बी सी है और ये छोटे छोटे जो है ये अपने प्लेटलेट्स है सो वाई आर ओवर थ्रोम्बोसाइट्स यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कम कम ऑन ऑन ओ ओमाई गॉड हाफ सेंचुरी होने आ रहा है पचास क्वेश्चन होने आ रहे हैं जल्दी 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 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स थ्री एंड कॉम्प्लेक्स फोर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम is कॉम्प्लेक्स थ्री और कॉम्प्लेक्स फोर के बीच में कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इधर पे आपका कॉम्प्लेक्स थ्री है इधर पे आपका कॉम्प्लेक्स फोर है इन दोनों के बीच में कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है yes. बताओ आपके क्लास इलेवेंथ रेस्पिरेशन चैप्टर वाला क्वेश्चन है हा? क्लास इलेवंथ का रेस्पिरेशन चैप्टर साइटोक्रोम सी देखो मैंने आपको बताया था यह आपका कॉम्प्लेक्स थ्री है और यह आपका कॉम्प्लेक्स फोर है तो इनके बीच में कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर है साइटोक्रोम सी क्लास इलेवेंथ के जितने भी चैप्टर्स हैं आप उनका अगर वन शॉट लेक्चर भी अच्छे से देख लोगे अपनी चैनल पर ये अवेलेबल है तो आपका क्लास इलेवेंथ का पूरा रिवीजन हो जाएगा ठीक है चलो हाफ सेंचुरी पूरी होने आ रही है जल्दी जल्दी आंसर दो यस 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 अलताफ़ हंड्रेड के कमिंग सून थैंक यू सो मच फिंगर्स क्रॉस आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से जल्दी अपने हंड्रेड के हो जाएंगे एटी सेवन सब्सक्राइब एटी सेवन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हो गए हैं जल्दी वन लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे फिर आपके लिए एक सरप्राइज गिव अवे आएगा विच हॉर्मोन ऑल्सो प्लेज रोल इन क्लोजिंग ऑफ टमाटा सी कब है सी आपके पाँच ऑगस्ट से स्टार्ट हो जाएगी टमाटा क्लोज करने के लिए कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है स्ट्रेस हार्मोन क्योंकि स्टोमाटा बंद करना है मतलब ट्रांसपीरेशन स्टॉप करना है यस 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 सारे एम सी क्यूज इंपॉर्टेंट है ट्रांसपीरेशन स्टॉप करना है तो हम स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है एंटीक्यूब्रलिन एफिक एसिड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यस yes. अरे सॉरी पचास एम सी क्यूज हुए अरे एक मिनट रुको एक मिनट रुको ये किधर से आ गया अभी बाकी है अभी तो पिक्चर बाकी है यस yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गलती से आ गया वो भाई मैं बोलिए हंड्रेड एनसी थे किधर गायब हो गए <laughs> हो जाता है हो जाता है चलो चलो है <laughs> चलो अभी भी कर सकते हो यार भंकस करके पढ़ाई करना चालू करो तो क्यों नहीं कर सकते हो यस एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन मे बी कॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एक्सेसिव कीटोन बॉडीज यानी एक्सेसिव शुगर तो एक्सेसिव शुगर आपको स्टार्वेशन भूख के वजह से भी देखने को मिलती है डायबिटीज के वजह से भी और लो कार्बोहाइड्रेट के वजह से भी रीनल कैलकुल किडनी में फॉर्म होते हैं तो किडनी uh, मतलब ये किडनी स्टोन है किडनी स्टोन ब्लड में थोड़ी देखने को मिलेंगे यस नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट किधर सुना हुआ लग रहा yeah. है ये क्लास ट्वेल्थ रेस्पिरेशन चैप्टर का एग्जाम्पल है क्लास ट्वेल्थ रेस्पिरेशन चैप्टर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में यूज होता है जब आपका सी ओ टू आपके वाटर के साथ मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है और ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है तो ये फटाक से स्प्लिट हो जाता है एच प्लस और एच सी ओ थ्री माइनस आई में याद आया किसकी किसकी बत्ती जली जल्दी मोस्ट वेलकम अजय सर चीटिंग मत करो यस आरबीसी में प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एसिड कहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम किधर प्रेजेंट होता है आपके आरबीसी में और जिंक एज फैक्टर काम करता है यस नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ चलो 153, कम ऑन यस 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 देखो आपके जो भी जूनियर्स हैं और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या कोई 2023 के बैच वाले बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं या आप अपने फ्रेंड्स को बता देना कि उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है कल ठीक है उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा कल शाम को छः बजे तो जो 2023 के बच्चे हैं जो 2023 में बोर्ड्स देने वाले हैं उनके साथ आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना ठीक है क्विज नहीं लेने वाली अभी मैं क्विज टाइप करने के लिए बहुत तकलीफ होता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन टर्म किसने डिस्कवर किया था एफ डब्ल्यू वेंट ने नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड कार्बन ऑफ द शुगर इन अ न्यूक्लियोटाइड बताओ यस विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड कार्बन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड देखो ये अपना न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है ये अपना नाइट्रोजन बेस है इधर अपना फोस्फोरिक एसिड है ठीक है ये पांच कार्बन वाला शुगर है सो तो शुगर और नाइट्रोजन बेस एंड कार्बन द शुगर ये कौन सा बॉन्ड है दो नाइट्रोजन बी, बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है तो ये कौन सा बॉन्ड है यस बताओ फटाफट से नीट का एडमिट कार्ड कल या परसों रिलीज होगा ठीक है सो जो नीट वाले बच्चे उनके लिए देखो आपके शुगर के साथ हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है ठीक है और शुगर और फॉस्फेट के साथ बॉन्ड प्रेजेंट होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलो फटाफट से जल्दी जल्दी फास्ट बायो का सीईटी आपका 11 अगस्त से स्टार्ट होगा आपका हॉल टिकट आएगा उसमें सब दिया रहेगा बेटा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री या बैच सा उद्या एक खूब इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट यार है संध्या सहा वजता तो प्लीज फ्रेंड्स सोबत ये इन्फॉर्मेशन शेयर करा रिड्यूस सिलेबस नहीं पढ़ना है क्लास इलेवेंथ का जो डिलीटेड सिलेबस है वो नहीं पढ़ना है बायो में सारे चैप्टर्स पूरे पूरे हैं सिर्फ ह्यूमन न्यूट्रिशन का पार्ट है जिसमें थोड़ा सा टॉपिक डिलीट किया गया है तो डिलीटेड वाला पार्ट मत पढ़ो डिलीटेड वाला पार्ट मत पढ़ो ठीक है चलो यह आपके बायोटेक चैप्टर का क्वेश्चन है मैं बताना भूल गई पूछोगे नहीं तो क्लास ट्वेल्थ आपके बायोटेक चैप्टर का क्वेश्चन है टोमेटो के बारे में हमने पढ़ा था ना कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है आइसोमरेज एंजाइम जिसकी वजह से टोमेटो के बाहर के लेयर डिजेनरेट नहीं होती है नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है फटाफट बताओ ये थर्टीन चैप्टर का क्वेश्चन है थर्टीन चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड और पॉपुलेशन यस इंटर स्पेसिफिक इंटर बताया गया आपको सी एनिमोन किसको प्रोटेक्ट करता है सीई का हॉल टिकट एग्जाम के एक हफ्ते पहले आएगा जुलाई एंड सी का हॉल टिकट जुलाई एंड नीट का हॉल टिकट ग्यारह ग्यारह या बारह तारीख को 2023 के बच्चों के लिए कल एक स्पेशल वीडियो आने वाली है शाम को छः बजे यस yes, केमिस्ट्री के क्लासेस नहीं है अपनी चैनल पर क्या आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सी एनिमोन क्लाउन फिश को सपोर्ट करता है तो आपके एक आंसर फोर एक आंसर फोर और प्लांट आपके हर्बी को हेल्प करता है तो बी का आंसर थ्री तो बी का आंसर थ्री सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2002 थाउजेंड हाउ मेनी मिलियंस चलो ये आपके 15 चैप्टर का है एलेवेंथ चा इलेवेंथ स्टैंडर्ड के सारे वन शॉट लेक्चर ऑलरेडी अपनी चैनल पे अवेलेबल हैं प्लीज़ वीडियो जाकर आप चेक करो मैंने इलेवंथ स्टैंडर्ड का ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है वो भी पूरा पढ़ाया है ठीक है और उसमें से बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को कि उसमें एक्चुअली में क्या डिलीटेड है और क्या डिलीटेड नहीं है ठीक है तो अगर आप पूरा वन शॉट देख लोगे और डिजीजेस के नाम अच्छे से रीड कर लोगे ना तो भी आपका वो चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करके हो जाएगा फिजिक्स के लिए भी मॉक होने वाला है और इसी वीक में होगा सो so, मे 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन 1.2 बिलियन था और 2020 में इट क्रॉस बिलियन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फेशियल नर्व के पास कौन से गैंगलियन होते हैं यस yes. देखो फिर से बताती हूँ 2023 के बच्चों के लिए कल शाम को छह बजे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी कल अपना लाइव बायो चैप्टर टू का वन शॉट लेक्चर है सुबह ग्यारह बजे ठीक है सुबह ग्यारह बजे नीट का हॉल टिकट कल या परसों आएगा ठीक है और सी का हॉल टिकट एग्जाम के एक हफ्ते पहले आएगा यस yes, एवरीबडी चलो फेशियल नर्व्स के पास कौन से गैंगलियन होते हैं फेशियल नर्व्स के पास अपने जेनिकुलेट गैंगलियन होते आपके कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन का चैप्टर है थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है तो अगर आपको ये नहीं आए तो आप इसको ऑप्शन में रख सकते हो और वैसे भी सीई टी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे को करी सकते हैं ना कुछ नहीं से कुछ बेटर है फिजिक्स के लिए फिजिक्स का फिफ्टी एम सी क्यू का लाइव मॉक सेशन वेनजडे या थर्सडे को होगा आपको एग्जैक्ट टाइमिंग टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा जाएगा यस अ जीन प्रेजेंट एडजेसेंट टू ऑपरेटर जीन इन द ऑपेरॉन एट विच आर एन ए पॉलीमरेज बाइंड ठीक है ये आपका ऑपरेटर जीन है या आपका कौन सा जीन है जहां पे आपका आर एन ए पॉलीमरेज बाइंड करता है इधर पे जेड वाई ए प्रेजेंट रहता है तो ये है आपका प्रमोटर जीन जहाँ पे आपका आर एन ए पॉलीमरेज बाइंड करता है पी फॉर पॉलीमरेज पी फॉर प्रोमोटर ऐसे याद रख सकते हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो प्रोमोटर के पास पॉलीमरेज आया पॉलीमरेज पी पी नेक्स्ट क्वेश्चन येस चलो यार मेरे बच्चे बड़े आलसी हैं क्या हो गया तुमको क्या हो गया अमोन एन्जाम ट्रिप्स इन सिक्रेटेड इन डुअर डेनम इज मोस्ट एक्टिवेट एंड ऑप्टिम पी एच ऑफ जल्दी जल्दी चलो यस yes, फास्ट लास्ट चालीस क्वेश्चन बचे हैं जल्दी वन फिफ्टी नाइन के बी और डी में कंफ्यूजन अभी देखते हैं आपका जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये आपके डुओनम में प्रेजेंट होता है या आपके बेसिक पीएच में काम करता है और जो पेप्सिन एंजाइम है ये आपके एसिडिक पीएच में काम करता है टू पी पीएच ठीक है 159 फिफ्टी नाइन के बी और डी में क्या कंफ्यूजन है अरे आपको क्या पूछा है आर एन ए पॉलीमरेज किधर बाइंड करता है रेगुलेटर जीन प्रोमोटर जीन के भी आगे प्रेजेंट है आर एन ए पॉलीमरेज रेगुलेटर जीन के पास थोड़ी जाता है रेगुलेटर जीन के पास कुछ आपका प्रोटीन बनता है इधर आर एन ए पॉलीमरेज नहीं जाता तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कन्फ्यूजन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ये लो बताओ फटाफट फड़ से जल्दी विल्यूरुबिन प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ ए अभी मैं ट्वेंटी सेकेंड्स दे रही हूँ चलो जल्दी जल्दी दस पंद्रह मिनट में खत्म हो जाएगा सेशन फास्ट विल्यू रूबिन प्रोड्यूस बाई ब्रेक डाउन ऑफ डैश हैज डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस विल्यूरोबिन कब बनता है जब आपके हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चलो अभी मैं ट्वेंटी सेकेंड्स दे रही हूँ अभी आंसर इजी है मम्मी को भी साथ में बिठाओ उनको भी पता चलेगा कि पढ़ाई हो रही है कुछ टाइम पास नहीं हो रहा है उनको भी साथ में बिठाओ हाँ अगर आप मोबाइल के साथ साथ इंस्टा व्हाट्सएप चला रहे हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फिर आपकी चोरी पकड़ी जाएगी ड्यूरिंग ओ जनएस फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सोसाइटी इज अरेस्टेड एट फर्स्ट फर्स्ट फेज मियोसिस वन के प्रो फेज़ वन पर अरेस्ट होता है सेकेंडरी स्टेट मेटाफेज फेज टू पे अरेस्ट होता है मेटाफेज़ टू ऑफ मियोसिस टू सो बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हॅज अडॉप्टेड जॅपनीज मेथड ऑफ ट्री प्लांटेशन कोणसे जॅपनीज सायंटिस्ट आहे जस का हमने मेथड यूज किया बायोमॉलिक्युल्स लेसन ऑलरेडी शिकवलेला आहे आपल्या चॅनलवर बायोमॉलिक्युल्स मध्ये पण आहे यश आणि त्याचा वन शॉट पण अवेलेबल आहे तर फक्त एकदा चॅनल चेक कर किंवा टाक बायोमॉलिक्युल्स बाय अंजली मॅम ओके

लेकिन प्लूरा तो लंग का मेम्ब्रेन है और लंग्स तो नीचे प्रेजेंट होते हैं मतलब थोरासिक केज के अंदर के साइड प्रेजेंट होते हैं यस yes, इधर अंदर से ऐसे लंग्स आते हैं यस सो इधर पे आपका क्या आपसेंट रहेगा या आपके थोरासिक केज में इन्वॉल्व नहीं होता सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेजर हेरार्कियल एंड इंटर रिलेटेड लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर बताओ लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी यहाँ चैप्टर नंबर फिफ्टीन चैप्टर फिफ्टीन का क्वेश्चन है हमने तीन लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़े थे ये yes, कौन सा कौन सा पढ़ा था हमने देखो आधे बच्चे भाग गए और फिर बच्चे बोलते हैं कि सीई में हमारा मार्क्स क्यों नहीं आता यस यस दीज आर योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीई लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने क्या पढ़ा था इंट्रास्पेसिफिक इंट्रास्पेसिफिक एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी याद आया सबको

तो एक दिन में दो शिफ्ट होती थी तो उसको बोलते हैं शिफ्ट वाइज एमसीक्यू तो लास्ट ईयर के पेपर्स हम आपको अभी सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है कुछ क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं ठीक है पाइनरी स्पीशीज़ बोलते हैं स्टार्टिंग स्पीशीज़ को नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे ये क्वेश्चन किधर से आ गया ये आपके क्लास इलेवेंथ रेस्पिरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है क्लास इलेवेंथ रेस्पिरेशन चैप्टर यस yes, कल ही पढ़ाया था आपको फिर से बता रही हूं कल 11 बजे चैप्टर टू बायो का लाइव वन शॉट है एनिमल रिप्रोडक्शन चैप्टर मिस मत करना कल का सेशन मिस मत करना ओके चलो फैट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए वन होता है फैट और प्रोटीन के लिए फैट के लिए जीरो पॉइंट सेवन होता है प्रोटीन के लिए जीरो पॉइंट नाइन होता है ये देखो कार्बोहाइड्रेट के लिए वन होता है फैट के लिए जीरो पॉइंट सेवन एंड प्रोटीन के लिए जीरो पॉइंट नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि कभी कभी आपको डायरेक्ट वैल्यू भी पूछते हैं यस। बेटा मैं केमिस्ट्री टीचर नहीं है हाइड्रोकार्बन्स बायो मधे नहीं है बड़ा ठीक है चलो ओके okay, देखो इधर पे अपना ए क्या है आर एन ए प्राइमर तो देखो ए का लेबल चेक करो आर एन ए प्राइमर ऑप्शन वन सिलेक्टिव स्ट्रेटेजी आगे देखने की भी जरूरत नहीं है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यस देखो ए क्या था अपना आर एन ए प्राइमर इन विट्रो जीन एम्प्लीफिकेशन इन पी सी आर इज डन हेल्प ऑफ पी सी आर किसकी मदद से करते हैं हम यस इन विट्रो जीन एम्प्लीफिकेशन किसकी मदद से करते हैं बताओ यस, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ थर्मल साइक्लर ना इससे तो डीएनए सेपरेशन करते हैं इससे आपके अलग अलग सॉल्यूट सेपरेशन करते हैं ये भी सेपरेशन के लिए यूज होता है बट पीसीआर के लिए थर्मल साइक्लर यूज होता है ऑटोमेटेड थर्मल साइक्लर, ठीक है चला नेक्स्ट क्वेश्चन इन जक्स्टा मेडुलरी नेफरॉन आपका क्लास इलेवेंथ एक्सक्रीशन वाला चैप्टर काउंटर करंट मैकेनिज्म इज ऑपरेटेड बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म मतलब क्या होता है आपका ऐसा ये लूप ऑफ हेनले जो है आपका लूप ऑफ हेनले जो है लूप ऑफ हेनले इनके आजू बाजू में ब्लड वेसल्स होते हैं तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे देखने को मिलता है हमको किसके बीच में लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा के बीच में ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो ये आपका लूप ऑफ हेनले और ये इसके आजू बाजू में जो ब्लड वेसल जाता है ये उसका ब्लड वेसल है मैंने क्लास इलेवेंथ के चारों चैप्टर्स का वन शॉट ऑलरेडी दिया हुआ है अपने चैनल पर बायोमोलिक्यूल्स का डिटेल वीडियो है वन शॉट है एक्सक्रीशन का डिटेल वीडियो है वन शॉट है रेस्पिरेशन का वन शॉट है और ह्यूमन न्यूट्रिशन का डिटेल वीडियो भी है वन शॉट भी है तो क्लास इलेवेंथ का पूरा सिलेबस है क्लास ट्वेल्थ का पूरा सिलेबस है फिर से याद दिला रही हूँ कल अपना ग्यारह बजे एनिमल रिप्रोडक्शन चैप्टर का वन शॉट है ओके चलो लार्ज होल्स इन द स्विस चीज स्विस चीज में किसकी वजह से होल्स होते हैं चैप्टर इलेवन एनहांसमेंट चैप्टर प्रोपियोनी बैक्टेरियम शेरमानी की वजह से एस एस ऐसे आप याद रख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन लो फैक्ट विच फैक्टर प्रिवेंट्स ऑक्सीजन डिसोसिएशन फ्रॉम हिमोग्लोबिन देखो हिमोग्लोबिन से ऑक्सीजन दूर ना हो इसके लिए क्या जरूरी है आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कब चिपक के रहेगा जब आपके पास लो सी होगा यस अगर सी टू बढ़ गया तो हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा सो ये तो नहीं आएगा आंसर पी डिक्रीज़ हो रहा है मतलब सी ज़्यादा रिलीज हो रहा है और कार्बोनिक एसिड बन रहा है तो ये भी नहीं आएगा आंसर इंक्रीज़ इन डी पी जी नो लो बॉडी टेम्परेचर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर यस हमने पढ़ा है ना कि आपका हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर किसके फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनल ब्लीडिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग किसके वजह से होती है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हमको चाहिए प्लेटलेट्स अगर प्लेटलेट का काउंट कम हो गया तो उसको बोलते हैं पीनिया किसी भी सेल का नंबर अगर कम हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं पीनिया तो इधर पे प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है थ्रोम्बोसाइट्स थ्रोम्बोसाइट्स के डिग्री इसको क्या बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटो सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन

टोन यूरिया ऑटोजोमल रिसेसिव डिस कौन से एंजाइम की वजह से होता है ये नहीं होगा, तो आपके बॉडी में ज्यादा कीटोन डिपॉजिट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट ट्रू अबाउट आर एनी चलो बताओ कमोन यू कैन डू इट कमॉन कमॉन लास्ट टेन मिनट लास्ट टेन मिनट आई कैन आई नो यू कैन डू इट ये जल्दी बताओ आर के बारे में क्या इधर पे सच नहीं है यस yes? ऑन क्या आएगा क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी सिक्स का आंसर यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन बेस इज सीन इन द आम लू आम एंड द लूप रीजन दिस इज रॉन्ग आपका पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजन बेस लूप रीजन में नहीं होता है एंटीगोडॉन रीजन में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ये आपके चैप्टर वन का क्वेश्चन है चैप्टर वन प्लांट रिप्रोडक्शन पाँच से छः क्वेश्चन आ गए plant reproduction animal reproduction प्लांट रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन से पाँच छः प्लांट पाँच छः एनिमल कल आपका सुबह ग्यारह बजे लेक्चर होगा कल ग्यारह बजे बायो का चैप्टर टू का वन शॉट है ठीक है क्या आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मोरटेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ डेथ पर हाउ मेनी इंडिविजुअल्स पर ईयर बताओ मॉर्टेलिटी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम नंबर ऑफ डेथ अपॉन डैश कितने डेथ्स पर होने चाहिए थाउजेंड सो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज दी फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बताओ अगेन चैप्टर वन का क्वेश्चन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यस क्या आएगा इसका आंसर

एलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों के बच्चों के लिए जो बच्चे 2023 में बोर्ड्स देंगे इलेवेंथ का एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आने वाला है शाम को छः बजे तो अपने जूनियर्स को भी बता देना ठीक है अकेले अकेले फायदा मत उठाओ क्या आएगा इसका आंसर बैम एच देखो ये रिकोग्निशन सिक्वेंसेस पढ़े थे ना हमने बैम एच वन का रिकोगनीशन सीक्वेंस जी जी और टी टी सी मैंने आपको बोला था ये चारों पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन चलो एपीफाइट्स क्या होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट पे लटकते हैं और मॉइस्चर में से ऑक्सीजन एब, एब्जॉर्ब करते हैं एयर एब्जॉर्ब करते हैं और टेरेस्ट्रियल प्लांट लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है सो so, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम फिर से आपके रेस्पिरेशन चैप्टर का क्वेश्चन कम से कम दस क्वेश्चन आ गए रेस्पिरेशन चैप्टर से अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कौन सी चीज़ नहीं आती है नेजो फेरिंग्स यानी नोज वाला पार्ट नेजल कैविटी यानी नोज की ओपनिंग थ्रोट यानी गला और लैरिंग्स तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है एक्सेप्ट यस लैरिंग्स को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते नेक्स्ट क्वेश्चन द सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स आर फॉर्मड फ्रॉम चलो बता फटाफट ओवेरियन फॉलिकल के सेल किधर से बनते हैं मेड्यूला से से सेल्स ऑफ रॉबर से या इंडोडर्म से ये बनते हैं आपके डोर्सल एंडोडर्म ऑफ योग सीधा टेक्सट बुक का लाइन है दिस इज फ्रॉम चैप्टर टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन सीधा टेक्सट बुक की लाइन से दिया गया ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप दी एम्ब्रियोनल डोर्सल सॉरी एम्ब्रियोनल एंडोडर्म ओके ऑफ़ दोग सेक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज चैप्टर टेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया था दो हो गए एक एड्स वाला किया और एक ये वो मैथ्स द कॉलम आया था ना तो चैप्टर टेन का वेटेज ही है दो तीन मार्क्स यस yes, चलो क्या आएगा सीरोलॉजी सीरम का स्टडी करते हैं ना तो सीरोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका फिजिक्स का भी मॉक टेस्ट इसी वीक में होगा उसका पूरा टाइम टेबल टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा ओके okay? चलो चलो मुझे पता है आप लोगों का भी पेशेंस ख़त्म हो रहा है फास्ट लिम्बिक सिस्टम मेमोरी कंट्रोल करता है या आपके सेरिब्रम से नहीं बनता या आपके हाइपोथेमस अमाइकडाइला से बनता है यस ऑप्शन वन इज करेक्ट बट टू इज़ इन करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलो वापिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको क्या मैच करना डेफिशिएंसी ऑफ ए हार्मोन डिक्रीजेस कॉन्सनट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड तो का ब्लड का कैल्शियम किसके वजह से रिड्यूस होता है पैराथॉर्मोन के वजह से सो ए का आंसर आएगा पैराथॉर्मोन दिस इंक्रीजेज एक्साइटेबिलिटी ऑफ मसल्स एंड नर्व्स कॉल्ड बी तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी इसी को हम हाइपो टिटनी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हेमोडायलिसिस ब्लड इज रिमूव फ्रॉम बॉडी इंटू डायलिसिस यूनिट थ्रू डैश क्लास इलेवंथ एक्सक्रीशन चैप्टर जल्दी फास्ट हीमोडायलिसिस में हीमो मतलब क्या होता है ब्लड तो so, हम ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए कहाँ से निकालते हैं रेडियल आर्टरी से सो so, ऑप्शन आएगा ए यस नेक्स्ट क्वेश्चन चलो लास्ट ट्वेल्व क्वेश्चन पीपल हरी आप मेरा गला दुखने लगा भी चलो यस yes. Come on, quickly. क्या आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एंड सी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिवर मैकेनिज्म फिर से चैप्टर वन का क्वेश्चन आठ क्वेश्चन आ गए सात आठ क्वेश्चन मॉक टेस्ट हफ्ते में दो बार होती है कब होती है टेलीग्राम ग्रुप पे बताते हैं लिवर मैकेनिज्म किस में देखने को मिलता है इंसेक्ट पोलिनेशन एंटोमोफिली में सेल्विया नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होता है यस जल्दी बताओ क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में हो रहा है लेजी पार डिप्लोडाइकी प्रोफेज वन के कौन से फेज में हो रहा है संकेत बायोटेक चैप्टर छोड़ो मत रीड करके जाओ छोड़ो मत आपके पास ऑलरेडी इतने डिलीटेड चैप्टर्स है इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों छोड़ना आपको उसमें से भी तीन चार क्वेश्चन आ गए बायोटेक में से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटोन एफ्रीडिया क्लास इलेवेंथ एक्सक्रीशन क्लास इलेवेंथ एक्सक्रीशन प्रोटोन एफ्रीडिया आर नेटवर्क ऑफ डेड एंड टिव्यूल्स कॉल्ड एज डैश क्या आएगा इसका आंसर फ्लेम यस yes? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है इलेवेंथ का ऑलरेडी वन शॉट लेक्चर दिया हुआ है बेटा इलेवेंथ का वन शॉट लेक्चर्स आप चैनल पे से कर सकते हो मुझे पता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने वन शॉट लेक्चर दिया है और ये जो एमसीक्यू सेशन है इसमें इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों 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 के आंसर है वन एट्टी नाइन का क्या 189 का ए 190 का आंसर बताओ 190 का आंसर क्या है अभी बताते हैं रुक जाओ इनकरेक्ट मैच क्या आएगा इसमें से आंसर क्या आएगा इसका ए ये मिल्क इजेक्ट नहीं करता है ये मिल्क प्रोड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क इजेक्ट करता है 190 का आंसर क्या है क्रिएटिन अरे क्लास 11 सेल डिवीजन चैप्टर है ये क्लास 11th के सेल डिवीजन का चैप्टर है और ये आपको एनिमल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी दिया गया है टू, अभी बोलोगे तो है ही नहीं सिलेबस में आपका चैप्टर टू एनिमल चैप्टर जब हम फीमेल का पढ़ते हैं तो उसमें भी हमको ये दिया है crossing over के बारे में हमको ये इनहेरिटेंस uh, चैप्टर में भी दिया है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी दिया है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में रिड्यूस सिलेबस आएगा पूरा हंड्रेड परसेंट सिलेबस है आप, बेटा के पार्ट में से क्या है है वो मुझे भी मैं मैं कुछ नहीं बोल सकती मैं एक ही चीज बोलूंगी आपने 12 के 15 कर 11 के कर लिए चार में से आपने तीन चैप्टर्स कर लिए अगर अठारह कर लिए तो अभी आप सी में नाइनटी नाइन ला सकते हो एक चैप्टर के पीछे लटक के मत रहो ठीक है मैं इतना ही बोलूंगी और उसका भी पूरा पूरा वन शॉट पूरा डिटेल सब कुछ दिया है ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर आएगा डी ये आपके क्लास इलेवेंथ एक्सक्रीशन चैप्टर का क्वेश्चन है चलो सिनेप्स इज प्रेजेंट बिटवीन द फॉलोइंग एक्सेप्ट कौन से सेल में नहीं देखने को मिलता यस रिसेप्टर एंड मोटर नर्व के बीच में सिनेप्स नहीं होता ठीक है यस नेक्स्ट क्वेश्चन

अब मैं रीड करके बताऊंगी तो ग्यारह बजे सेशन खत्म होएगा। आप आराम से बाद में वीडियो को पॉज करके जो आपको क्वेश्चन में डाउट है उसका आप आंसर देख लेना ठीक है चलो प्रोटीन ट्रांसलेशन मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इन स्टेटमेंट बताओ यस yes, क्विकली चलो लास्ट थ्री क्वेश्चंस। आप अभी हिम्मत नहीं हार सकते क्या आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक है पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता इधर पे आपका कोडॉन और एंटीकोडॉन के बीच में यस yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू अ डिसऑर्डर इन क्रोमोजोम नंबर बताओ समान यस फिनाइल कीटोन यूरिया ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है सो आंसर आएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन कमॉन लास्ट टू क्वेश्चन कमान 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 हरियाप हरियाप लास्ट टू क्वेश्चन मोस्ट वेलकम यस सो एंडोमेट्रियम अपियर्स टू बी मोस्ट वास्क्यूलाइज ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज ल्यूटियल फेज में सबसे ज्यादा थिक होता है अपना एंडोमेट्रियम का लेयर ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन सेकंड लास्ट क्वेश्चन द बैक्टीरियल जीन्स जींसिस ई एंड सिज एम आर कंसर्न विद बायोसिंथेसिस ऑफ विच अमीनो एसिड बोला है ना तो आपको इधर से हिंट मिल जाना चाहिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन शिम्पी ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे ये पीडीएफ मिल गया है ऑल पीडीएफ गिवेन इन टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब ए पी तो ट्रांसजेनिक फिश में कौन सा रेजिस्टेंट जीन हम डालते हैं हाइग्रोमाइसिन चलो फाइनली हमारा सेशन होता है खत्म आपको एक बार मैं फिर से बता देती हूँ मुंबई में जो हमारा ऑफलाइन क्लासेस लोकेटेड है ग्यार लैब ट्यूटोरियल यहाँ पर कल से क्लास इलेवंथ के ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के ऑलरेडी एडमिशन स्टार्टेड हैं तो कोई बच्चा अगर मुंबई दादर माटुंगा सायन वड़ाला ऐसे एरिया में रहता है तो वो अपना एडमिशन बुक कर सकता है आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है आप कॉल करोगे तो आपका फ़ोन नहीं उठाया जाएगा व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई मिलेगा सो प्लीज़ बुक योर सीट्स इफ़ यू वॉन्ट बेस्ट एजुकेशन इन अफोर्डेबल प्राइस उसके अलावा मैंने एन वाली चैनल पर कल ही लाइव हंड्रेड एनसी का सेशन लिया था जो कि लास्ट ईयर के नीट का पेपर था तो जाके फटाफट से एन चैनल चेक करो आपका नीट का जो एडमिट कार्ड है ये कल या परसों आ जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे ठीक है चलो आप हमारी लाइव बफरिंग चैनल के भी मेम्बर बन सकते हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो आपको एंटरटेनमेंट देखने मिलेगा आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ऐसे ही आपके लिए फिजिक्स का भी मॉक टेस्ट आएगा कब आएगा वो सरप्राइज है उसके लिए आपको डेली वन शॉट अटेंड करना पड़ेगा तो कल बायो का चैप्टर टू का वन शॉट लेक्चर है लाइव ग्यारह वन शॉट ग्यारह बजे ठीक है सो सब लोग ग्यारह बजे रेडी रहना बाय बाय एवरीबडी ठीक है चलो अपना स्कोर कमेंट करो सब लोग कमेंट योर मार्क्स बाय, गुड नाइट सोना मत आलसी लो पढ़ाई करो याद रखो अभी नहीं चलो